हाँ यस एक आई प्लेयर, ये पनल। जल डाला हाँ है, बिल्कुल। हाँ फिर कैसे सुनेंगे? चेस्ट पे रख के हार्ट बीट को। हाँ, हाँ सुनेंगे। हाँ आपके राइट हैंड का कान में सुनो, राइट हैंड का। लिसन टू योर राइट हैंड। नहीं हाँ बिल्कुल। हाँ ऐसे सर सुनाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट जॉब, गुड। तो आप रख दो। हाँ सभी बच्चे देखो ऐसे इस टाइप का आप खुद अपना स्टेटस को बना सकते हैं। वेरी नाइस। सर थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, सर हाँ थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। अन्ना भी दिखा रहा है। सर हाँ आप भी दिखा सबको। दिखाओ स्टेथोस्कोप कैसा है। सबसे पहले तो स्टेथोस्कोप दिखाओ। हाँ फिर कैसे कान में लगाते हैं, कैसे चेस्ट में। फिर अपने चेस्ट के पास ले जाओ। क्या सुनाई दे रहा है? इज इट ऑडिबल? यस हाँ ओके। और नाउ वेरी नाइस। तो आपने सबको दिखाया स्टेथोस्कोप, और जो हमारे बुक में बनाया दिया गया है वो भी दिखाया। तो आपने समझ गया होगा आप सभी ने कि कैसे बनाएंगे। इसका काम क्या है? टू लिसन योर हार्ट बीट। तो आपके हार्ट बीट कितने हैं? नॉर्मल हार्ट बीट रेट क्या है आप जानते हो? डू यू नो नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनट? सर, कोई कोई हार्ट पेशेंट के लोगों में हार्ट में मेडिसिन कैसे लगाते हैं? वो बेटा हमारा काम नहीं है अभी। हाँ हम इधर क्यों लगाते नॉर्मल हैं वो? आई डोंट मतलब ये बाद में जानेंगे बेटा उसके बारे में, किसका हार्ट खराब है उसके बारे में तो हम नहीं सर मेरे जानते। दादाजी का है। ओके यहाँ उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। ओके अन्ना सुखावर। तो आपका नॉर्मल हार्ट बीट रेट है क्या? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। 60 से 100 के बीच में आपका हार्ट बीट रहेगा। हमेशा चेंज होते रहता है आपका हार्ट बीट। जब आपको थोड़ा डर लगेगा तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जब आप नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, जब आप कुछ काम करने लगेंगे आपका हार्ट बीट रेट हमेशा चेंज होते रहता है। ये हम बिल्कुल एक जैसा नहीं रहेगा कभी भी। हाँ सो ये है हार्ट बीट। नाउ ये है एक स्नेक टेल द फ्लो ऑफ एयर। ये पंखा बना सकते हो ठीक। ये क्या है? फॉर दिस टेक ए राउंड पेपर फॉर 10 to 15 सेंटीमीटर वाइड। काट दिस पेपर इन ए स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप में ऐसे 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 काटेंगे इसको। काटने के बाद टू होल्ड दिस स्नेक टाई थ्रेड ऑन बोथ साइड। इधर भी एक धागा बांध देंगे, ऊपर भी एक धागा बांध देंगे एंड टू एंड। हाँ टाई ए नॉट और ए बटन टू मेक इट हैंग। थोड़ा ये भारी चीज, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं, हल्का सा नीचे झूल झूल के रहेगा। नाउ स्नैक इज रेडी। ऐसे तुम्हारा स्नैक रेडी हो जाए।
हैंग दिस स्नेच नियर ए हॉट थिंग, हॉट थिंग चूल्हे के ऊपर में से, कोई चूल्हा जल रहा होगा या कोई खाना पका गया उसके ऊपर आप टांग देंगे। हाँ, टांगने के बाद क्या हो जाएगा, और यू कैन टेक हॉट टी और वाटर और बर्निंग कैंडल। नाउ सी फ्रॉम द टॉप, अगर ऊपर से उसके देखेंगे इन व्हिच डायरेक्शन द स्नेक मूव, कौन सा दिशा में ये स्नेक घूम रहा है, ये घूमेगा ऐसे कैंडल से। तो व्हेन एवर एयर फ्लोज अपवर्ड इट विल मूव इन ए क्लॉक वाइज, ये किधर घूमेगा, क्लॉक वाइज में घूमेगा, क्लॉक कैसे ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर व्हेन एयर फ्लोज डाउनवर्ड नीचे जाएगा तभी ये एंटी क्लॉक वाइज घूमने लगेगा। अब किसी ने अगर किया होगा तो मुझे दिखाओगे ना। Whenever the air flows upward, it will move in a clockwise direction. When air flows downward, the snake will move in the opposite direction. So stand with this snake below a fan. Look it when direction is it move. Take this paper snake to the different place and observe its movement. Can you understand from the movement of the snake? If the air is moving upward or downward, क्यों ऐसे upward downward? Upward जाने के time में क्या anti clockwise, downward जाने के time में नहीं, ये clockwise upward जाने के time में और downward में anti clockwise और opposite direction में घूमता है, ये क्यों होता है? Do you know? जब air गर्म होता है, when the air becomes hot, it become lighter, it become lighter and it goes up ऊपर चला जाता है, तभी ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने में मदद करता है। जब ये हवा ठंडे हो जाते हैं, when the air becomes cold, it goes downward, नीचे की ओर आ जाता है, come down downwards, नीचे आता है, फिर ये उसको फिर अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देता है। इसी तरह से जब गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा बट नीचे नहीं रहेगा, हमेशा ठंडा हवा जो है वो नीचे आएगा क्योंकि वो भारी रहता है और गर्म हवा थोड़ा हल्का रहता है, इसीलिए ऊपर चला जाता है। ठीक, दिस इज द फैक्ट। While playing, Amit hit a wall. His forehead was swollen. Didi immediately folded its scarf 4 to 5 times below and it and kept it on Amit's forehead. Why do you think Didi did this? क्यों किया होगा? दीदी ये इसको अमित को चोट लग गई, हाँ ये उसके सिर पर, तो उसने किया क्या, अपनी दीदी ऐसे कपड़ा लेके इसको 3 फोल्ड कर दिया, उसके ऊपर फूंक लगाया, फिर उसके जहां पे लगी थी उधर थोड़ा ऐसे रख दिया, हाँ जैसे आप उसको थोड़ा गर्म करोगे तो वार्म, तो आपको आराम मिलेगा, हाँ यू विल फील बेटर। वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म, गिव एग्जांपल ऑफ इच, कौन कौन से चीज में हम ठंडा होने के लिए फूंक मारते हैं, कौन कौन से चीज पर हम गर्म होने के लिए फूंक मारते हैं, तो ये आप एग्जांपल 2-3 लिखेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। मैं आज आपके ये क्वेश्चंस बना के दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने के बाद आप उन क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे भेजेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर, ओके सर, तो ओके सर, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू सर, बाय सर, अब जो भी क्वेश्चन Thank you, sir. Bye, sir.
बाय सर, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर।